साथियों जोहार, मैं इमाम शफी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका है और अभी इन दिनों जेएसएससी सीजीएल का जो है बहुत ज़्यादा सुर्खी बटोर रहा है और पूरा देश में झारखंड का नाम को डुबा रहा है। आप समझ सकते हैं, एक कंपनी है सतवत इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटेड, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है जो परीक्षा लेती है सीजीएल का एग्ज़ाम, यानी सीजीएल और उससे पहले जो एग्ज़ाम ली थी आपका जूनियर इंजीनियरिंग का, तमाम प्रकार के एग्ज़ाम लेने का इसको जिम्मेवारी दिया गया है झारखंड सरकार और जेएसएससी द्वारा। तो ये जेएसएससी में क्या होता है कि वो कंपनी जो है काफ़ी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। सीजीएल से पहले भी आपका जूनियर इंजीनियरिंग में भी प्रश्न पत्र लीक हो गया था। वो स्टूडेंट आज अनशन कर रहे हैं राजभवन के सामने, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परेशान हैं। और इसी तरह से सीजीएल का भी हाल है, सीजीएल भी रद्द हो गया है, 8 साल के बाद परीक्षा नहीं हो पा रहा है, परेशान है छात्र और उसकी जो जांच हो रही है आधा अधूरा जांच हो रहा है। हम तमाम छात्र लोग जो है और संगठन लोग जितने भी हैं सभी सीबीआई जांच की या ईडी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने आनन फानन में एसआईटी का गठन करके इसका जांच कर रही है। जो आधा अधूरा है वो जांच भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो इसी बीच में एक खबर आया है कि कल जो है जेएसएससी के अध्यक्ष नीरज सिन्हा जी इस्तीफा देते हैं अध्यक्ष पद से और बोलते हैं कि व्यक्तिगत कारण से मैं इस्तीफा देता हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जांच होना चाहिए, वो इसी समय जब उसमें एसआईटी गठन हुआ हो और जांच हो रहा हो उस समय वो इस्तीफा देने का क्या तुक बनता है। वो इससे बचना चाहते हैं तो उन्हें उन पर कड़ी निगरानी रखा जाए, उन्हें झारखंड से बाहर जाने पर रोक लगाया जाए, सरकार से मेरा अनुरोध है। और जेएसएससी के तमाम पदाधिकारियों को बदल दिया जाए वहाँ से और तभी कोई परीक्षा लिया जाए। और जो ये इंफ्रा जो कंपनी है, सोल इंफ्रा सतवत कंपनी जो है, ये दागी कंपनी है, इसको एक न्यूज़ आया है कि जेएसएससी ने बोला था कि क्यों नहीं इसको बैन लगाया जाए, तो कंपनी जो की है कि हाईकोर्ट चली गई थी, तो हाईकोर्ट में उसको जो आज ही का लेटर आया है, हाईकोर्ट ने उसकी जो अपील को रद्द कर दिया है और इस कंपनी को बैन लगना चाहिए, इसके पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा व्यवस्था डेवलप होना चाहिए झारखंड में, जो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो तो जो भ्रष्टाचार करेंगे उस आयोग के अध्यक्ष पदाधिकारी और कर्मचारी तमाम पर कार्रवाई का जो है मुकम्मल किया जाए और पारदर्शी ढंग से परीक्षा हो। मुख्यमंत्री सोरेन और राज्यपाल महोदय, तमाम जो झारखंड के अहदेदारान हैं उन लोगों से मेरा ये अपील है, और नहीं तो हम लोग सड़क पर फिर बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। जोहार, आदाब, धन्यवाद।